महिला द्वारा अभी आपके समक्ष 2024 की 12वीं और 10वीं कक्षा की बोर्ड के परीक्षा परिणाम क्लिक करके घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम के समक्ष परीक्षा परिणाम के संबंध में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इस वर्ष की हायर सेकेंडरी की परीक्षा में कुल 7,35,556 बच्चे अपीयर हुए थे और इसी प्रकार से हाई स्कूल की परीक्षा में 9,72,322 बच्चे अपीयर हुए थे। जो परीक्षा का परिणाम है वो हायर सेकेंडरी में 64.49 64.49% बच्चों उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार से हाई स्कूल में जो नियमित बच्चे हैं वो 58.10 प्रतिशत बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। पूरे जो हमारा पूरी परीक्षा थी वो 5 फरवरी से 5 मार्च के बीच में संपन्न हुई थी। कुल 3868 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और ये परीक्षा परिणाम व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन के उपरांत आज घोषित किया गया है। आप सभी को आपको फोल्डर उपलब्ध कराया गया है जिसमें परीक्षा के संबंध में और परिणाम के संबंध में बहुत ही डिटेल क्लासिफाइड जानकारी मौजूद है। इस वर्ष की परीक्षा में मेरिट सूची में हायर सेकेंडरी में 132 बच्चे और हाई स्कूल में 82 बच्चे शामिल हुए हैं। इस परीक्षा के परिणाम के उपरांत जो पूरक परीक्षाएं हैं वो हायर सेकेंडरी की 8 जून से और हाई स्कूल की 10 जून से प्रारंभ होंगी। इसमें जो एक विषय में अनुत्तीर्ण बच्चे हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। जो हमारे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले हैं हायर सेकेंडरी में नरसिंहपुर, नीमच और इंदौर, इनमें परीक्षा परिणाम सबसे बेहतर रहा है। इसी प्रकार से हाई स्कूल में नरसिंहपुर, अलीराजपुर और बालाघाट, इन जिलों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। कुल 295 बच्चों का हायर सेकेंडरी में और 237 बच्चों का हाई स्कूल में विभिन्न कारणों से परीक्षा परिणाम भी रोका गया है। इस प्रकार से आज आपके समक्ष ये परिणाम घोषित किया गया है और विस्तृत जानकारी आपको फोल्डर में दी गई है। अगर कोई विशेष आपको प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। साइट घोषित हैं, आपको जानकारी में है, NIC पे और जो हमारे 10 साइट हैं उनमें लिंक लाइव हो गया है और उस पे जो है बच्चे जाकर के परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। जो मोबाइल ऐप है MPBSC मोबाइल ऐप, उस पर भी बच्चे परिणाम देख सकते हैं। सर, 10वीं में परसेंट इस बार कम आया है। इस वर्ष की अच्छी बात ये थी कि जो छात्राओं का परीक्षा परिणाम है वो बच्चों से बेहतर रहा है। छात्राओं का 68% हायर सेकेंडरी में और हाई स्कूल में 61% और छात्रों का इन बच्चों का हायर सेकेंडरी में 60% और हाई स्कूल में 54%। इस तरह से हर वर्ष की भांति इस बार भी बच्चियों का परीक्षा परिणाम बच्चों से काफी बेहतर रहा। अब कोई विशेष प्रश्न? पिछले साल के रिजल्ट के मुकाबले बारहवीं में रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है और 10वीं में कुछ कम था,
इसके कारणों का अभी मैम ने बताया, हम एनालिसिस करेंगे और फिर जो भी जरूरी उसके लिए कदम होंगे उठाएंगे।